वहां सत्संग करने वाले जो सूरज पाल या भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और उन्होंने जो 2 जुलाई की जो घटना हुई और क्यों हुई, इस बात को देख करके और सुन करके वो वहां से भाग गए और भूमिगत हो गए। अब इसके बाद इतने दिनों के बाद ये कह रहे हैं कि उस घटना से हम दुखी हैं, अपने वकील के माध्यम से और ये सारी व्यवस्थाएं बता रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। सारी जिम्मेदारी जो भी कथा कहते हैं और जो उसमें घटना होती है वो उन्हीं की जिम्मेदारी है, उनको स्पष्ट रूप से जाकर के और सरकार के सामने इस बात को कहना चाहिए, और जो अपना अपराध है उस अपराध को स्वीकार करें, और ये निश्चित है जांच हुई है, जांच में अपराधी माने गए हैं, इसलिए उनको जेल होना चाहिए, वो बंद होंगे। और सत्संग में जो घटना हुई और जिस प्रकार से भगदड़ मची, इसके कारण की जांच हो रही है, और जांच सामने आने पर वो निश्चित है दोषी वही भोले बाबा जो है के नाम से जाने जाते हैं वो है पकड़े जाएंगे, और उनकी जो इतने दिन छिप करके और इसको अब बोल रहे हैं वकील के माध्यम से, तो वो गलती है, उनकी गलती को क्षमा नहीं किया जा सकता। इतने लोगों की जान गई है, इतने लोगों को जो परेशानियां हुई हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो घायल होकर के अभी पड़े हैं, उनसे पूछताछ हो रही कि आखिर ये घटना क्यों हुई, ऐसा कारण क्या था, ये सारी बातों को जानकारी हो गई है। अब वो भाग करके और छिप करके नहीं जा सकते, और जो छिप करके बैठे हैं उनको सामने आए, और सामने आने के बाद अपनी जो उनकी अपराध है, जो गलतियां हैं उसे स्वीकार करें, और जिसके आधार पर कार्यवाही उस पर सरकार करे। ये जो हुई है बहुत दर्दनाक, बहुत दुखी है, बहुत तमाम हमारे देशवासी इस घटना से कितने कष्ट में है, कितने दुख में है, हृदय विदारक घटनाएं रही, जो सहनशील उनको जो बचे हैं बेचारे, जो है उनकी सहनशीलता और उनकी जो सहने की क्षमता है, रामलला उनको दें जिससे उनको थोड़ी शांति मिले, और यह घटना ही है बहुत ही दुखद है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।